हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं दो और नए हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हैव हैज और हैड। हैव हैज का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का पास में होना, और हैड इसका भूतकाल हो जाता है यानी कि किसी चीज़ का पास में होना था। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेन है, तो है से हमें पता चला हम वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हैव हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेन था, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, भूतकाल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सबसे पहले देखिए, आई के साथ में आपको लगाना है हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, और ही के साथ में आप लगाएंगे हैज, शी के साथ में हैज, इट के साथ में भी हैज, और दे के साथ में आपको लगाना है हैव। क्लियर है? रिपीट आफ्टर मी वंस मोर, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव। वंस मोर, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव। अच्छा, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू और यू ये सेकेंड पर्सन में आते हैं, और ही, शी, इट और दे ये आते हैं थर्ड पर्सन में। आपको ये भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बोलता है, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, जो सुनता है, और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, जो बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। जैसे कोई गाय यहां से गुजर रही है, तो गाय ना तो मैं हूं ना आप हैं, हम दोनों के अलावा तीसरा पर्सन है, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे का समावेश होता है। हमने आपको बताया था आई का बहुवचन वी होता है, यू का यू ही रहता है, ही का बहुवचन प्लूरल दे होता है, शी का बहुवचन दे होता है, और इट का भी प्लूरल क्या होता है, दे होता है। अब चलते हैं हेड। हेड का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का पास में होना था। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक पेन थी, भूतकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हेड। जैसे अब यहां पर एक सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हेड लगाना। जैसे आई हैड, वी हैड, यू हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड। वंस मोर, आई हैड, वी हैड, यू हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड। क्लियर है? नाउ ये जो है और हैज है या हैड है, इनसे हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपके पास टाइम है, तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव टाइम। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा, आपके पास समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, यू हैव नो टाइम, या फिर आप कह सकते हैं यू डोंट हैव टाइम, है ना। ये डोंट लगाकर हम इस तरीके से भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू हैव नो टाइम, यू डोंट हैव टाइम। अच्छा, इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, डोंट, है ना, पीछे वाला जो टी है इसको एम्फसाइज करते हैं, बट प्रेशराइज करते हैं, बट हम लोगों को इस तरीके से नहीं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, डोंट। ये टी जो है ये लिखा जरूर जाएगा, थोड़ा सा साइलेंट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टाइम। ओके, नाउ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, ये डूडस आगे लग जाएगा, डू यू हैव टाइम, राइट, क्या आपके पास समय है। जैसे मेरे पास पेन है, तो क्या मैं बोलूंगा, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या बोलूंगा, आई हैव नो पेन, अथवा आई डोंट हैव पेन। और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डू आई हैव पेन, Do I have pain? Clear है? So, affirmative, negative और interrogative इस तरीके से हम form कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम head की बात करें, तो इसका जो have has है, ये head में convert हो जाएगा। जैसे आपके पास time था, तो हम क्या बोलेंगे, You had time, you had time। हम बोलेंगे आपके पास समय नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, You, अब ये जो पहले जो है, You had no time, you had no time, और दूसरा टाइप जैसे don't है, तो ये didn't में convert हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, you didn't, इसको भी हम didn't नहीं बोलेंगे, ज्यादातर students क्या करते हैं, didn't नहीं, didn't, इसको क्या बोलेंगे हम, didn't, you didn't have time, you didn't have time, clear। so अगर head की बात कर रहे हैं हम, अब इसका interrogative क्या होगा, did you have time, Did you have time? So, यहां पर हमने क्या कर दिया, did लगा दिया, यहां पर do था present में, तो इसका past में क्या हो जाएगा, did हो जाएगा। और अगर हमने एक बार past का एक word use कर लिया है, तो second helping verb हमेशा present में आएगा, तो यहां पर हम had नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने ऐसा लिखा, did you had time, तो ये wrong हो जाएगा, क्योंकि आपने
दो पास्ट के फॉर्म्स यूज कर लिए हैं, आपने ऑलरेडी आगे डू का डिड यूज कर लिया है, पास्ट उसको बना दिया है, तो फिर यहां पर हैव अपने प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, हैड नहीं आएगा, राइट। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको एक कॉपी लेना चाहिए और इस तरीके से कुछ 10 सेंटेंसेस एफर्मेटिव के बनाना चाहिए, नेगेटिव के 10 सेंटेंसेस बनाना चाहिए और इंटरोगेटिव के भी 10 सेंटेंसेस बनाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, यहां पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए हैं, चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और देखते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसलेट होते हैं। मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास मींस आई, अब है के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। अब एक कार है तो एक कार के लिए वन कार नहीं बोलेंगे हम, आई हैव वन कार नहीं बोलेंगे, ये वन की जगह पर हम हमें पता है ए और एन आर्टिकल लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, आई हैव अ कार, क्या बोलेंगे हम, आई हैव अ कार, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, सो मेरे पास आपके लिए समय नहीं है तो नेगेटिव है, आई हैव नो टाइम, और आपके लिए के लिए क्या बोलेंगे हम, फॉर यू। इसी का एक और टाइप का सेंटेंस कैसे होगा, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, क्या बोलेंगे हम, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, और आई हैव नो टाइम फॉर यू ये भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड, आपके पास एक पेन है, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू हैव अ पेन, एक के लिए हम लगाएंगे आर्टिकल ए, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो बताइए, यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल, ओके। नाउ नेक्स्ट, आपके पास एक दोस्त है, सो अगेन यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव, अब एक दोस्त, तो यू हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ फ्रेंड। मेरे पास बहुत काम है, मेरे मीन्स आई के साथ में क्या लगेगा, हैव, आई हैव, अब बहुत काम है, अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। रोहन के पास बाइक है तो हम क्या बोलेंगे, रोहन हैज अ बाइक, रोहन हैज अ बाइक। नाउ सुहाना के पास कंप्यूटर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सुहाना, अब ये सुहाना थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज, सो सुहाना हैज नो कंप्यूटर बोल सकते हैं, सुहाना हैज नो कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सुहाना डज नॉट हैव कंप्यूटर, सुहाना डज नॉट हैव कंप्यूटर, यहां पर क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में डू नहीं लगता है, डज लगता है, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा सुहाना डज नॉट हैव कंप्यूटर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, सोहन के पास पैसे नहीं है, सोहन, वापस एक तो हम बोल सकते हैं डज नॉट हैव मनी, इस तरीके से बोल सकते हैं सोहन डज नॉट हैव मनी, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं सोहन हैज नो मनी, सोहन हैज नो मनी, ओके। नेक्स्ट, ग्रंथ के पास टीवी है तो कैसे बोलेंगे, ग्रंथ हैज अ टीवी, ग्रंथ हैज अ टीवी, ओके। मेरे पास मेरे खुद का घर है तो मेरे पास, अगेन आई हैव माई ओन, खुद का मीन्स ओन हाउस, आई हैव माई ओन हाउस, ओके। नेक्स्ट, मेरे पास कल समय था, सो अब समय था, हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा, तो मेरे पास मीन्स आई के साथ में था के लिए हम क्या लगाते हैं, हैड, सो आई हैड टाइम, अब कल के लिए, बीते हुए कल के लिए हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे, आई हैड टाइम यस्टरडे। सो आपको इन हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके समझ में आया होगा कि हैव, हैज और हैड किस तरीके से लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, चलिए इनको फिलअप करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके आंसर्स लिखेंगे। नाउ आई के साथ में हम लोग नॉर्मली क्या लगाते हैं, हैव, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके का सेंटेंस होता कि यस्टरडे अगर इसमें होता,
या फिर भूतकाल बताने वाला कोई सा एक शब्द इसमें कीवर्ड इसमें होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैव कैंसिल हो जाता, हमें क्या लिखना पड़ता, आई हैड अ कार यस्टरडे, मेरे पास कल एक कार थी। क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है, कोई कीवर्ड अगर किसी भी प्रकार का पास्ट शो कर रहा है, ऐसा कीवर्ड यहाँ पर इसमें दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, हेड लगाएंगे। अदरवाइज अगर कोई कीवर्ड पास्ट को मेंशन नहीं कर रहा है तो उसको हम वर्तमान का सेंटेंस मान के उसमें प्रेजेंट का फॉर्म ही डालेंगे। जैसे शी डैश अ बैग, यहाँ पर कोई पास्ट का इंडिकेशन है? नो, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज अ बैग, राइट? नाउ दे के साथ में क्या लगाते हैं हम, हैव, दे हैव अ हाउस। लेकिन अगर ये सेंटेंस में अगर ऐसा होता, दे डैश अ हाउस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर से हमें पता चला कि यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कभी भी हैव और हैज का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर कंपलसरी हमें हैड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ इट के साथ में क्या लगाते हैं, हैज, इट हैज टू लेग्स, इसके दो लेग्स होते हैं। नाउ ही के साथ अगेन क्या लगाते हैं, हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। यू के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव अ रूलर, आपके पास एक स्केल है। नाउ वी डैश फोर टेबल्स, वी के साथ में क्या लगाते हैं, हैव, वी हैव फोर टेबल्स। नाउ द डॉग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज टू आईज। हु हैज अ पेंसिल, किसके पास पेंसिल है, या हु हैव पेंसिल नहीं आएगा, हु हैज अ पेंसिल, किसके पास पेंसिल है। द गर्ल्स, बताइए, हैव प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो द गर्ल्स हैव थ्री पेंस, दे हैव फोर एप्पल्स, उनके पास चार एप्पल्स है। हर्षित, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हर्षित हैज अ डॉग, हर्षित के पास एक डॉग है। तो आपको इन एक्सरसाइज से पता चला होगा कि हैव हैज का कहाँ यूज करना है और हैड का कहाँ यूज करना है। तो एक वो सिंपल टॉपिक था, लेकिन एज फार एज द ग्रामर इज कंसर्न, हमें इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम जब टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।